In an interaction program held at Poma Itanagar, people from Gyawe Purang, Pipu, Sawa, Chayeng Tajo came forward displaying their strength and support to the 9th Chayeng Tajo MLA candidate Hayeng Mangfi. During the occasion, many students, society, and youth representatives were also seen attending the program. Also, alongside this interaction program, numerous ex-Jila contestants, Anchal Samiti, and many intellectuals from Pipu and Gyawe Purang joined in support of the MLA candidate. Yeah, program just mass interaction hai. Among the workers, to hum log aapas mein ye jankari dena chahte hai ki basti basti mein wahan circle circle mein grievances kya hai, jo mudda kya hai aur jisko leke hum ek report card banayenge aur wo report card basis mein hum logon ke liye kaam karenge. My vision is very clear. I want to be a contributor in making Arunachal a pan-Arunachal under the dynamic leadership of Pema Khandu and BJP party ke netrutv mein jo Amrita Pirgao ji hai. So other way around also, I happen to be a social leader, student leader or ek educated admi hoon. Uske hisab se jo Arunachal ko jo nai disa aur nai न्यू हाइट ऑफ डेवलपमेंट हम पहुंचाने का मुझसे जो बनता है मैं साथ देना चाह रहा हूँ. अंडर द प्रेजेंट लीडरशिप एवरीथिंग इज मेस अप, कोई भी डायरेक्शन सही नहीं है. तो मैं नया आर्किटेक्ट नहीं, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें और एरिया को एक अच्छा डेवलपमेंट पहुँचे और जो बेसिक नेसेसिटी है वो मिले. शिक्षा का जहाँ बोलेंगे आपको एजुकेशन सीनियर है तो इन ऑल दी सर्कल्स ना अभी सही में बहुत खराब है और ना टीचर का व्यवस्था है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था है, ना कोई पॉलिसी है उधर जो जिस पॉलिसी से वो वहाँ का जो सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करे. और वो नहीं बोल के भी आपका कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट भी है, वहाँ एक ही सर्कल में थोड़ा काम चल रहा है वो भी सही ढंग से नहीं चल रहा है और बाकी 3 सर्कल तो खत्म है. आई विल इंश्योर दैट देयर इज इक्वल एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट इन ऑल द सर्कल्स एंड द रियल बेनिफिशरी द डिप्राइव्ड पीपल्स आर गिवन द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो मैं करूँगा. जनता से तो मेरा अनुरोध है जात पात में ना जाए, सर्कल वाइज में ना जाए, छोटा बड़ा बस्ती में ना जाए. आप लीडर बनाइए और अच्छे लीडर बनाइए और जानकारी लीडर बनाइए जिनके नेतृत्व में एक नया डेवलपमेंट आए. एंड नाउ इट इज़ ऑलरेडी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और डिजिटल लाइफ है और उस हिसाब से लीडरशिप भी होना चाहिए. लीडर का काम एक MLA को जो होना है वो करने वाला आदमी चाहिए, कोई पर्दा तो नहीं चाहिए.